हेलो फ्रेंड, मैं सुशीला आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला टेरिस गार्डन में। फ्रेंड, अब आज मैं जो है सेम की पहली बार हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ, लेकिन फिर फ्रेंड उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड, मेरे जो है गार्डन में कितने सारे जो है गेंदे के फ्लावर खिल रहे हैं, और देखिए ये देखिए कितने अच्छे जो है खिल रहे हैं। देखिए ये बहुत ही बढ़िया रौनक हो रखी है, एकदम से गार्डन जो है फूलों से भर रखा है। तो फ्रेंड मैंने सेम का पेड़ बोया था, इधर देखिए बाल्टी में बोया था, इसमें ये देखिए इस बाल्टी में बोया था। ये देखिए दो प्रकार के पेड़ है, एक ब्लू वाला है एक वाइट वाला। तो देखिए ये देखिए एक वाइट वाले पे जो है सेम लग रखी है, तो इनको तोड़ना है। ब्लू वाले पे अब लग रही है देखिए, तो इनको भी ये जो है कुछ दिन बाद हो जाएंगे। तो फ्रेंड ये देखिए अब इनमें भी अभी छोटी छोटी लग रही हैं, और ये कुछ ही दिन बाद जो है ये भी हार्वेस्टिंग करने वाली हो जाएंगी। और मैंने कुछ ये इसमें की हार्वेस्टिंग कर ली है, सफ़ेद वाली जो हो रखी थी, ये देखिए मैंने इधर से ये कुछ हार्वेस्टिंग कर रखी है इतनी, और अभी मुझे और दूसरे पेड़ से भी हार्वेस्टिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छा जो है ग्रो कर रहा है इस समय भी अगर आप बोएंगे तो बहुत अच्छा। देखिए ऊपर देखिए कितने सारे जो है फ्लावर लग रहे हैं देखिए, और ऊपर भी लग रखी है सेम, देखिए बहुत सारी सेम लग रखी है उधर भी, ये देखिए। लेकिन तोड़ते नहीं बन रहा, सीढ़ी है नहीं, तो अब देखिए कैसे करके तोड़ते हैं ऊपर से। तो इधर से तो मैंने कुर्सी लगा के तोड़ दिए हैं, और उधर देखिए तुरई भी लग रखी है उधर एक ठो, वो देखिए ये तुरई लग रखी है, ये भी तोड़ते नहीं बन रही। एक छोटी सी लगी थी वो मैंने तोड़ दी, ये बीज के लिए है, और ऊपर भी बीज के लिए बन रखी है वहाँ तुरई। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छा जो है इस समय जो है, आप अभी भी अगर आप इसके बीज लगाएंगे तो अभी भी जो है ये तुरंत ही जैसी ग्रो होगा वैसी जो है ये फ्लावरिंग करना शुरू। ये देखिए फ्रेंड, ये भी देखिए, ये मैंने इस ग्रो बैग में लगा रखा है, ये देखिए। और देखिए ये इस पर देखिए कितनी भर भर के जो है देखिए फ्लावरिंग हो रही है सेम पे। तो बहुत ही अच्छा रहता है, इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी होती है और बहुत महंगी होती है। अभी तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही महंगी हो रखी है, अभी आज पहली बार मैं तोड़ रही हूँ और पहली बार ही सीजन की सब्ज़ी खा रही हूँ। देखिए मेरे मूली देखिए कितनी अच्छी जो है ग्रो कर रही है, देखिए मूली का भी साग खाने लायक हो गया, ये इसकी साग तोड़ना था इसका। और बहुत ही अच्छा देखिए इसमें देखिए पालक ग्रो हो रखी है, कसला है उसमें मैंने पालक ग्रो कर रखी है और बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इधर के तो फ्रेंड मैंने पालक इधर की तो मैंने सेम तोड़ दी है, अब चलिए हम दूसरी जगह की सेम तोड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड इधर मेरी हल्दी भी बढ़िया हो रखी है, उसको मैंने बांध दिया है, फैल रखी थी एकदम से। और देखिए इधर भी फूल खूब अच्छे खिल रहे हैं, और इधर भी सेम लग रही है, इधर भी सेम का पेड़ है, ये देखिए इधर भी सेम लग रही हैं, ये देखिए ये लग रखी हैं। अभी इसमें से जो मैच्योर होगी मैं तोड़ दूँगी, जो वैसी होगी उसको रहने दूँगी। तो और देखिए इस पर बैंगन भी लग रहे हैं, देखिए बैंगन, ये देखिए बैंगन, उधर भी बैंगन की हार्वेस्टिंग भी करूँगी तो दूसरे दिन करूँगी। इधर देखिए मूली ये पालक हो रखे हैं, बहुत ही अच्छा हो रखा है। और देखिए ये मैंने इतनी तोड़ रखी है, अभी मैं और तोड़ती हूँ इधर से। तो देखिए इधर देखिए कितने सारे सेम लग रहे हैं, और ये देखिए सेम सूखने भी लग गए, ये देखिए ऐसे सूखने लग गए, ये देखिए सेम। ये देखिए सूखने भी लग गई सेम, जो सूख गई उसको बीज के लिए रख दूँगी, बाकी जो है उसकी सब्ज़ी बना देंगे। देखिए इधर से जो है हम सेम की हार्वेस्टिंग कर लेंगे। ये देखिए इधर करेला भी लगा, करेले पे फ्रेंड कीड़े लग जा रहे हैं, जैसे ही करेले पे जो है होते हैं पता नहीं काहे कीड़े लग जा रहे हैं। पीछे की साइड को लग रखे करेले एक आध, तो देख ले तोड़ लेती हूँ उसको भी मैं। तो ये देखिए पहली बार फ्रेंड सीजन की जो है सेम की पहली हार्वेस्टिंग हो रही है, और पहली बार जो है सेम की सब्ज़ी खाएंगे सीजन की। तो देखिए अपने गार्डन की सब्ज़ी की बात ही कुछ और होती है, बाज़ार में तो बहुत अभी सेम बहुत महंगी हो रखी होगी, पता नहीं 100 से ऊपर ही हो रखी होगी, पता है मैंने मुझे पता भी नहीं, कर पे पाव हो रखी है कर, लेकिन 100 के ऊपर ही होगी क्योंकि अभी बहुत जो है। तो ये देखिए देखिए फ्रेंड मैं सेम में क्या क्या फर्टिलाइज़र डालती हूँ, आप वो मेरी वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि सेम पे जो है
इसमें बहुत कीड़े लग जाते हैं, उसके लिए इसमें क्या डालना है क्या करना है वो हम अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ फ्रेंड। देखिए बहुत ही ज़्यादा जो है फ्रूटिंग हो रखी है। फ्रेंड जब हम इनको तोड़ेंगे तभी तो फिर और सेब लगेंगे, तभी तो फूल और बनेगा, नहीं तो पूरी एनर्जी जो है इन्हीं पे लगा देता है। ये देखिए करेला लग रखा है, ये देखिए इस पे, ये देखिए फ्रेंड करेला लग रखा है और बहुत ही बढ़िया है, तो कीड़ा नहीं लगा उस पर, सही है। और पीछे देखिए करेला और करेले, ये देखिए फ्रेंड इस तरह के करेले जो है लगते हैं और ये देखिए ये ख़राब हो जाते हैं इस तरह से, ये देखिए ख़राब हो गया है। इधर फ्रेंड मेरा तुरई का पेड़ फैल रखा था, अब ये करेले का पेड़ फैल रहा है और देखो करेले लगेंगे। ये देखिए इधर भी ये छोटा सा लग रहा है, ये देखिए इसको लगने देते हैं फिर तोड़ देंगे, कम जूसी बन जाएगा। एक करेला निकला फ्रेंड उसका जूसी बन जाएगा, वही बहुत है अपने। तो देखिए फ्रेंड इतने जो है सेम निकले हैं, देखिए कितनी सारी सेम निकली हैं, एक पाव से ज़्यादा ये निकली है, एक पाव निकली है देखिए, और एक तुरई निकली, एक करेला निकला है। तो फ्रेंड इस तरह से जो है आप भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये इसका पेड़ ग्रो कर रखा है और देखिए यहाँ से जो है बहुत ही अच्छी जो है इसमें हो रही है, इधर करेले का पेड़ इधर से जा रहा है ये, और ये देखिए ये मेरी जो है, अदरक ग्रो हो रही है इसमें। तो चलिए फ्रेंड फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और गार्डनिंग करते रहें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।